हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी के अपने चैनल में। दोस्तों, अक्सर हम सब कभी न कभी अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, हमारे कदम धगमगा जाते हैं, सत्य की राह छोड़ देने का मन में उठता है। ऐसा लगता है जब असत्य के सामने सत्य कमजोर लगने लगता है, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपको सभी एक संदेह की निगाहों से देखें। कभी भी जीवन में ऐसी परिघटनाएं घटित हो आपके साथ, स्वयं को सदैव सत्यवादी रखें। लाखों लोग क्यों न आपके खिलाफ हो जाएं, यदि आप सत्य हो, अंत आप ही की विजय होगी, फिर से लोग आपके पक्ष में आ जाएंगे। जब आप विजय हो जाएंगे, आपके गुणगान करने लगेंगे और कहेंगे, हमें पता था तुम ऐसे कृत नहीं किए होंगे। वैसे लोग क्षणिक भर समय नहीं लेते हैं कोई भी मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने में। जिधर बहुमत की संख्या हो, उनके प्रतिक्रिया भी उन्हीं के समर्थन में होते हैं। जिस रुपी से नदियां अपने बहाव का निर्धारण अपने ढलान के अनुरूप ही बहती है, वैसे ही उन लोगों का विचार भी संख्या आधारित होते हैं। आज भी हम सब पहले से पूर्वानुमान लगा लेते हैं, बिना किसी बातों को जाने हम दोनों पहलुओं पर विचार ही नहीं करते, न कभी जानने का कोशिश करते हैं। सत्य सदैव वास्तविकता में होता है और इसे सत्यापित किया जा सकता है। यदि आप सही हो तो आप निडर भाव से डटे रहे और सत्य को सत्यापित करे, अंत में आपकी जीत होगी। एक बार की बात, जब बुद्ध एक सभा में उपस्थित हुए थे अपने भिक्षुओं के साथ, उस सभा में बुद्ध को मानने वाले कम, उनसे ईर्ष्या करने वाले की संख्या अधिक थी। इस सभा का आयोजन राजा के संयोजक से ही हुआ था। राजा भी बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करते थे, क्योंकि बुद्ध राजा से कई ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। उन्हें बुद्ध की बढ़ते लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राजा ने महात्मा बुद्ध की लोकप्रियता को कम करने लिए, उन्हें झूठे साबित करने के लिए इस सभा में उपस्थित होने का आमंत्रण भेजा। बुद्ध ने इस आमंत्रण को स्वीकार भी किया, लेकिन बुद्ध भिक्षु नहीं चाहते थे कि महात्मा जी इस सभा में उपस्थित हो। बुद्ध भिक्षु महात्मा जी से कहते हैं, महाराज आप इस सभा में मत जाइए, वहाँ पर जरूर ही आपके लिए कोई षड्यंत्र रचा होगा आपको नीचे दिखाने के लिए। तब बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, जब कभी स्वयं सही हो, सत्य हो, तुम्हें कोई नहीं नीचा दिखा सकता है। जिस प्रकार सूर्य संसार में रोशनी बिखरती है, वैसे ही हम सभी को एक अच्छा विचार, सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता है। लोगों का क्या है, लोग तो अच्छे से अच्छे चीजों में बुराई निकाल देता है। हमें इनके नकारात्मक सोच बदलना होगा, और वह तब बदलेगा जब उनके मस्तिष्क में अच्छे सुविचार का प्रवेश होगा। उसके लिए मुझे उस सभा में जाना होगा और उनके अंदर पल रहे प्रश्न का उत्तर देना होगा। और बुद्ध उस सभा में उपस्थित होने के लिए अपने भिक्षुओं के साथ निकल गए, और बुद्ध सभा में पहुंचते ही राजा के द्वारा स्वागत किया गया। सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास रहता कि बुद्ध से ऐसा प्रश्न पूछा जाए जो गौतम बुद्ध उत्तर न दे पाए। परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आसानी से दे देते थे। सभा में बैठे सभी लोग अपने प्रश्न बुद्ध से पूछ ही लेते हैं और उन्हें प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। तभी वह पर एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, करुणा की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य की दिशा में जाने का मार्गदर्शन करते हैं, क्या आपके भीतर थोड़ी भी दया नहीं है कि मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती बना के छोड़ दिया है, क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे का कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। उस स्त्री को बातें सुनकर सभा में उपस्थित लोगों में हलचल सा मच जाता है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और सभा में उपस्थित हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाते हैं और कहने लगे, औरत के सौंदर्य के सामने एक से एक ज्ञानी महापुरुष अपने घुटने टेक देते हैं तो फिर यह बुद्ध क्या चीज है। उसी में कोई और खड़ा होता है, बोलता है, बुद्ध से हमें यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना भी नीचे गिर सकता है। इसी तरह सभी के सभी लोग खड़ा हो के बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, बिना सत्य को जाने सत्य क्या है बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने अपने मन में पल रहे भर
आस को निकाल लेते हैं। तब राजा बुद्ध से कहता है, बुद्ध आप अपने सफाई में क्या कहना चाहोगे? और राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था, वे चाहते थे बुद्ध कैसे भी बदनाम हो जाए, सभी कोई बुद्ध का बहिष्कार करे। लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, मानो बुद्ध को इन घटनाओं का कोई असर नहीं था, न ही लोगों का विचारों का असर था। बुद्ध तत्स्य होकर बस उस महिला को देख के कहा, क्या सत्य है? वह सिर्फ दो लोग ही जानते हैं। और उसके बाद वो महिला बुद्ध से नजरें चुराने लगे। बुद्ध ने उस महिला से कहा, यदि मैं चाहूँ तो क्या सत्य है? सभा में उपस्थित सभी लोगों को बता सकता हूँ, उसके बाद वह महिला अपने झूठ पकड़ा ना जाए। और महिला उस सभा से भागने लगी। भागते हुए पेट में जो कपड़े के मोटरी बंधी हुई थी वह गिर जाती है और सत्य क्या है सभा में उपस्थित सभी के बीच आ जाती है। और इसके बाद बुद्ध की लोकप्रियता और भी बढ़ने लगे। जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे उनके लिए भी बुद्ध लोकप्रिय हो गए। इस कहानी से यह हमें शिक्षा मिलता है कि विपरीत परिस्थितियों कितने भी क्यों न आ जाए, आपके जीवन में सत्य की राह में चलने से अंत लाइफ में सब अच्छा होता है। सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। लोग जितना भी गिराने की कोशिश करे, आप उतने ही तेजी से ऊपर उठोगे। मुझे विश्वास है ये कहानी से आपके जीवन में थोड़ी ही सही लेकिन बदलाव जरूर लाएगा। आपका दिन शुभ हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगा और भी ऐसे ही कहानी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।